दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मैसूर साम्राज्य के शासक टीपू सुल्तान की। दोस्तों, टीपू सुल्तान प्रसिद्ध मैसूर साम्राज्य के शासक थे, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध में अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपनी वीरता और साहस के लिए जाने जाते थे। इन्हें अंग्रेजों, जो कि सुल्तान के शासन के अधीन प्रदेशों को जीतने की कोशिश किया करते थे। दोस्तों, टीपू सुल्तान को लड़ाई के लिए भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में महत्व दिया जाता है। मंगलोर की संधि, जो कि द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध को खत्म करने के लिए थी, इसमें उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर हस्ताक्षर किए। यह आखिरी अवसर था कि एक भारतीय राजा ने अंग्रेजों पर हुकूमत की। टीपू सुल्तान ने मैसूर के सुल्तान हैदर अली के बड़े पुत्र के रूप में सन 1782 में अपने पिता की मृत्यु के बाद उनका सिंहासन संभाला। शासक के रूप में उन्होंने अपने प्रशासन में कई नए परिवर्तन किए और साथ ही लोहे से बने मैसूरियन रॉकेट का भी विस्तार किया, जो कि बाद में ब्रिटिश सेना के अग्रिमों के खिलाफ तैनात किया गया था। इसके साथ ही इन्होंने बहुत से युद्ध में अपना बेहतरीन प्रदर्शन देकर भारत के इतिहास में अपनी जगह बनाई थी। दोस्तों, टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर सन 1750 को देवनहल्ली शहर, जिसे आज के समय में बेंगलोर कर्नाटका के नाम से जाना जाता है, में हुआ। इनके पिता हैदर अली थे, जो कि दक्षिण भारत में मैसूर के साम्राज्य के एक सैन्य अफसर थे, और माता फातिमा फखुन निसा थी। इनके पिता सन 1761 में मैसूर के साम्राज्य के वास्तविक शासक के रूप में सत्ता में आए। हैदर अली, जो कि खुद पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी इन्होंने अपने बड़े पुत्र राजकुमार टीपू सुल्तान को अच्छी शिक्षा देने के बारे में सोचा और उन्हें अच्छी शिक्षा भी दिलवाई। दोस्तों, टीपू सुल्तान आमतौर पर मैसूर के शेर के रूप में जाने हैं। टीपू सुल्तान ने हिंदुओं और ईसाइयों को इस्लाम धर्म में शामिल कर उनके मंदिरों और चर्चों को नष्ट कर दिया। फ्रेंच द्वारा पहले रॉकेट का आविष्कार किया गया, जो कि टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली की योजना पर आधारित था, जिसका उपयोग ब्रिटिश सेना के खिलाफ किया गया था। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में शूटिंग, तलवारबाजी और घुड़सवारी सीख ली थी, और यही कारण था कि उन्होंने 15 साल की उम्र में अपने पिता का साथ देते हुए युद्ध में प्रदर्शन दिया। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद ब्रिटिशर्स उनकी तलवार लेकर ब्रिटेन चले गए और इसे अपनी जीत की ट्रॉफी समझकर वहां के संग्रहालय में इसे स्थापित कर लिया। टीपू सुल्तान ने मैसूर में नौसेना के एक भवन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके अंतर्गत 72 तोपों के 20 रणपोत और 62 तोपों के 20 पोत आते हैं। ये भारत और पाकिस्तान में और कई क्षेत्रों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नायक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। हालांकि भारत के कई क्षेत्रों में इन्हें एक अत्याचारी शासक के रूप में भी माना जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि टीपू सुल्तान दुनिया के पहले युद्ध रॉकेट के प्रवर्तक हैं। दोस्तों, टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान शाहब था। ये नाम इनके पिता ने रखा था। टीपू सुल्तान एक बादशाह बनकर पूरे देश पर राज करना चाहते थे, पर यह इच्छा इनकी पूरी नहीं हुई। टीपू ने 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला युद्ध जीता था। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 15 साल की उम्र में अपने पिता के साथ जंग में हिस्सा लेने की शुरुआत कर दी थी। पिता हैदर ने अपने बेटे टीपू को बहुत मजबूत बनाया और उन्हें हर तरह की शिक्षा दी। टीपू सुल्तान अपने आसपास की चीजों का इस्लामीकरण चाहते थे। उन्होंने बहुत सी जगहों का नाम बदलकर मुस्लिम नाम पर रखा, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद सभी जगहों के नाम फिर से पुराने रख दिए गए। दोस्तों, टीपू सुल्तान ने गद्दी पर बैठते ही मैसूर को मुस्लिम राज्य घोषित कर दिया था। उन्होंने लाखों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें मुसलमान बना दिया, लेकिन टीपू की मृत्यु के बाद वे दोबारा हिंदू बन गए। दोस्तों, टीपू सुल्तान की तलवार पर रत्नजड़ित बाग बना हुआ था। बताया जाता है कि टीपू की मौत के बाद यह तलवार उनके शव के पास पड़ी मिली थी। दोस्तों, टीपू सुल्तान की तलवार का वजन 7 किलो 400 ग्राम है। आज के समय में टीपू की तलवार की कीमत 21 करोड़ रुपए है। टीपू सुल्तान राम के नाम की अंगूठी पहनते थे। उनकी मृत्यु के बाद ये अंगूठी अंग्रेजों ने उतार ली थी और फिर इसे अपने साथ ले गए। सन 1799 में अंग्रेजों के खिलाफ चौथे युद्ध में मैसूर की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच जाए।